बच्चों के लिए सुरक्षित पटाखे कौन से खरीदें, बताइए जी कैसे चलती है ये। आप देख रहे हैं सुपर डुपर इंडिया हेल्दी बच्चों के लिए सुरक्षित पटाखे। ये माचिस वही घर वाली माचिस है? माचिस घर वाली है। अच्छा, इसमें तीली डालो। अच्छा, ये गोली की तरह काम करती है, आधी तोड़ के डालनी है। हाँ। ये नॉर्मल माचिस है और ये वही डालनी है और ये नॉर्मल। हाँ, इसमें तीली डालनी है आपको, तीली आधी तोड़ के डालनी है। पूरी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपने बाहर निकल जाती है? अपना बाहर जाएगी। ये देखिए, तो आवाज कैसे आती है इसमें? ये ऐसी आएगी नॉर्मली। नहीं, जो बुरूद है वो फटता है, उसकी आवाज आती है, उसी की आवाज है। अच्छा, ये किस रेंज में? ये 100 रुपए। अच्छा, 3 होगी। हाँ, इससे बड़ी भी है। दो और ये बच्चों के छोटे पॉकेट। अच्छा, दिखाओ अंतर क्या है इसमें? तेज आती है, साइज का फर्क है, साइज का। अच्छा, साइज का फर्क है। अच्छा, रो मारने के लिए साइज का फर्क, समझ गया, चोचले बाजी वाला अंतर आ गया। मुझे तीनों एक एक दे देना और रेट अपने हिसाब से लगा लो। ये वो चला के दिखा दो दोबारा, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये वो जो पत्ता डाल के चलाई थी। हाँ, ये देख लो दुनिया वालों, एक ये आती है बच्चों के लिए, आप चलानी है आपको, बच्चे पास में खड़े कर लो, ये सुरक्षित। और ये शोले वाली है, वो कहते हैं कितने आदमी थे, कालिया डालता ना गोलियां, तो 6 डाल दी इसमें कालिया ने। ये कालिया है शोले फिल्म का, देख लो जी अच्छे से। क्या नाम है भाई आपका? वसीम। वसीम, ये देखिए 6 चलती हैं एक बार में। और ये पत्ता आता है 20 रुपए का पत्ता आता है और इसमें 9 होते हैं आते, ठीक है जी। और पिस्तौल कितने की बता रहे हो भाई? 80 रुपए की पिस्तौल बता रहे हैं, 20 का पत्ता ले लो। अच्छा, एक दूसरी और दिखाई थी, रोल वाली दिखाना भैया, रोल डाल के, कि बचपन में जो हमारे रोल किया थी, रोल डाल के दिखा दो। वो रोल पड़ा, ओ इसमें रोल लगा के दिखा सर को, है रोल खुला हुआ। देखो जी, बचपन में ये हम चलाते थे, तब तो 1-1 रुपए का आता था, अब तो ये कितने का हो गया जी? ये भैया कितने का हो गया जी? 10 रुपए का। पहले 1 रुपए का आता था जब हम छोटे होते थे, अब 10 रुपए का हो गया। तब ये पिस्तौल भी 100 रुपए की आती थी, तब ये लोहे की आती थी पूरी बंदूक। हाँ, ये लोहे की आती थी पूरी। हाँ, अभी डाल के दिखाओ ना इसके अंदर, जो खींचता अपने आप चला के दिखाना, रोल डाल के। कोई बात, दिखाइए भी दूसरी में लगा ले कभी इसमें ना हो। अच्छा, आप कभी अखबारों में, मैगजीन में देखो पटाखे छोड़ने वाली पिस्तौल, तो कभी मत मंगाना आप। ये क्या चीज़ है? ये इसी में चलती है। किस में? रिंग वाली में। इसमें क्या चीज़ है जी, क्या डाली थी आगे? ये मिसाइल होती है इसकी। अच्छा, आगे डाल देगी, आगे डाल के दोबारा डाल के देखो। एक मिनट इधर भैया, एक मिनट, ये मिसाइल पहले भैया धीरे धीरे करो, तो गड़बड़ मत करो। ये मिसाइल डाली, ठीक है। और यार फिर वही यार, मुझे कैमरे में तो लेने दे। अच्छा, एकदम चली जाओगे? अरे गुरुजी मैं कम दे, दोबारा डाल पे इसमें। चलो रुको भैया, एक मिनट यार, शोले फिल्म बन रही है, गब्बर है और गब्बर की टीम के लिए मैं गोला बारूद खरीद रहा हूँ। हैं, वीडियो यूट्यूब पे छोड़ेंगे और कहाँ छोड़ेंगे, लोगों की जानकारी के लिए। सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। देखो जी, देखो जी, लो जी भाईजान, एक तो ये है, आपका शुभ नाम बताओ? समीर है। ये बेचारा गरीब बच्चों का भला करता है, इसके बाद बड़ों बच्चों का कोई सम्मान नहीं है, छोटे बच्चों का है। बड़े बच्चों का लेना तो गाजियाबाद जाओ, वहाँ पे मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ कम से कम 5 लाख रुपए लेके जाओ, बड़े बच्चों का लेके आओ। ये गरीबों का गहना है, यहाँ पे सारे छोटे छोटे पटाखे छोटे बच्चों में जो लीगल हैं, जो सरकार द्वारा अलाउड है, वही चलते हैं। भैया आप अपना नाम भी बता दो। मोहसिन। मोहसिन, कहाँ से आए हो आप सारी टीम? बिलासपुर से आए जी, बहुत बढ़िया। हमने बिलासपुर से LLB की थी वहाँ पर, सिन्नी देवी कॉलेज से। आज भी कहा जाएगा गुरु जी, क्या बात कर दी, अब तो उसने 4 माले की और बड़ी बिल्डिंग बना दी। आप ऐसा मत करो तुम यार, बिलासपुर का हम सबको जानो, तुम ऐसा मत किया करो। हमारी मैडम भी चीती गांव की, बगल में ही है। हाँ, तो ये देखो, अब ये गब्बर वाली पिस्तौल है, इसमें 6 डाले हैं इन्होंने आराम से जी। अब ये 6 बार चलेगा, एक अब इसमें मिसाइल डालनी पड़ती है, इसे निकालना पड़ेगा, जो मिसाइल भी चल जाएगी साथ, मिसाइल आगे से। हाँ, आराम से, एक मिनट, ये मिसाइल आगे से डाल दो, डालो जी। अच्छा भाई जान, देखिए एक मिनट रुको, चलाना मत। ये देखिए, अब ये फायर होगा तो दिखेगा, दबाओ, ये देखिए ऐसे फायर ऊपर जाता है और पूरा धमाका आता है। अच्छा जी, मिसाइल क्या रेट है ये? मिसाइल जो अंदर डाली है 200 रुपये की 140। 200 रुपये की 140, ये कितने की पड़ती है ये? एक कितनी पड़ती है? 200 रुपये की 140, 150 रुपये की पड़ गई लगभग। हाँ नहीं, आधा कर लो ना, 100 की 70 होगी। तो ये 3-4 तरह की आइटम के पास, ज़्यादातर यही आइटम है और भी कुछ यही है। फिर कैंडी है उनके, वो खोल रहे हैं। देखो पड़ोसी जो खाने पीने वाले हैं, इनसे गोले लेके इन्हीं के ऊपर छोड़ रहे हैं, देख लो मज़े ले रहे हैं,
पड़ोसी इनसे मजे ले रहे हैं। अच्छा आपने मुझे वो भी दिखा दी पटाखे, ये तो दे दो मैं चला के तो देख लूँ। ये देखो जी बचपन में ये चलाती थी, इसमें रील डल जाती थी और ये दाएं दाएं करती थी। ये थोड़ा सा कमजोर है, सिस्टम कमजोर है। दो तीन तो मेरा फोड़ दे एक बार। नहीं ये पता चल रहा है ना, ये अंदर से दम नहीं है ना, थोड़ा पिस्टन वीक है। अच्छा ये पटाखे सील जाए थोड़ी धूप दिखा दो, धूप के बाद ठीक चलते हैं। ये ऐसे चलते रहते हैं जी। तो दिवाली अच्छे से मनाओ, मौज मस्ती से मनाओ। तो ये सामान है बेसिक, आजकल सुविधा है पेटीएम से भी आप चला सकते हैं। ये कपड़े से क्या जो अंदर रख रहे हो? कैंडल, कैंडल है इसका। अच्छा हवा में चलाने वाली। ये किस रेंज में है? 100 रुपए का एक। अच्छा ये तो फिर कोई फायदा तो है नहीं, तो पड़ोसी के घर में जाएगी। ये चीज वो लो जो अपने पास रहे। तो ये है आजकल बच्चों के खिलौने, आराम से चलाओ बच्चों के लिए, इंजॉय करो। और ज्यादा महंगा नहीं है सौदा, छोटा मोटा सामान ले लो। भैया एक बार दर्शकों के लिए रेट बता दो, ये बसोल कितने वाली है? 80 रुपए। और ये छोटे वाली? 60 रुपए। 60 रुपए। ये 17,000 के रेट नहीं है, ये ग्रेटर नोएडा के महंगे वाले रेट हैं, जो आम जनता खर्चा पानी देके बैठी है। बिल्कुल। ये 17 से रेट कंपेयर कर लो। ये क्या रेट है? 20 रुपए के 9 आते हैं इसमें, 9 गोले आते हैं। 20 रुपए में, 20 रुपए के 72 हो गए। अच्छा ये 10 रुपए का एक मुठ्ठा जी। कितने इसमें? 2, 4, 6। अच्छा 10 है। ये बच्चों की पॉप पॉप है, 20 रुपए। ये क्या काम आती है? ये नीचे लहसन बम कहते थे पहले, पॉप पॉप कहते हैं। तो छोटा बच्चा क्या मारेगा, तो बड़ा ही चलाएगा। हाँ छोटा बच्चा तो चला, कोई बात ना, दिखा दो। तो जी छोटे बच्चे हैं। अच्छा रुको रुको भैया रुको, ऐसा मत किया करो यार। ये देखो सर आपको ऊपर से उछालूंगा तो नीचे फटकेंगे जाए। ये देख अभी से भी देखो। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये दिल्ली बॉम्बे है। ऐसा तो फटा ही नहीं अभी, टाइम लेता है। अच्छा टाइम लेता है, टाइम रहे मट्टी में गिरेगा। अच्छा भैया ऐसे रख दो आराम से। इस टाइम एक तो ओस है, ओस ज़्यादा है, अभी हवा भी चल रही है। तो भैया टेबल पे रख के दिखा दो आगे भैया। ये तिल्ली बम होता है, ये छोटे बच्चों के लिए है कि पापा छोड़ के चला के रखते जाए और ये फूटेगा। ऐसे ये है तो वही कुकमार का है, ये तिल्ली में दे दिया। ये किस रेंज में भाई? 30 रुपए में। 30 में कितने? 50। अच्छा भैया तुम इतने बड़े बड़े बम चलाते डर नहीं लगता तुझे? बचपन ही काम है, बचपन से कर रहे हैं। ये देखिए ये शौकिया बच्चे हैं कि जो माल बच गया खुद चलाएंगे, बाकी पैसे तो पूरे हो ही जाएंगे। पटाखों के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज रहती है, जो भाई पटाखे बेचते हैं बच्चे वो इसलिए बेचते हैं बचा हुआ माल जलाने को मिल जाएगा, और दिहाड़ी बन गई अल्लाह ताला के मेरे से तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा ऐसा माला खराब होता नहीं, यहाँ नहीं बिकेगा साला होली में बिक जाएगा, टेंशन तो है ही नहीं बिल्कुल कि नहीं, बाकी मेलों में चलता ही रहता है माल। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, एक बार रेट दोबारा बता दो। 80 रुपये, 60 रुपये और ये 20 रुपये का। और एक वो आपने वो ये गिरने वाले, ये भी 20 रुपये, ये भी 20 का और ये 30 का। इसमें क्या बताया था? तिली, तिली माचिस, माचिस बम। अच्छा और ये बड़ी वाली पिस्तौल थी जो जो लंबी पिस्तौल दिखाई थी एक, हाँ ये वाली, ये नहीं, ये 60 रुपए की। अच्छा एक और लंबी वाली निकाली थी ना डिजाइन वाली, शायद वो पड़ी है पीछे। बता दो मेरा, ये सारा माल है बच्चों का ही खेल खिलौने वाला माल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पड़ोसी को डराओ या मटका फोड़ लो या मटके में बम डाल दो। हाँ ये किसमें क्या चलता है? इसमें तिल्ली चलती है, तिल्ली माचिस वाली जो अभी छोटा। अच्छा ये तिल्ली वाली, उसका बड़ा पीस देखो जी सर, तिल्ली भी देख लो जी। ये घर वाली माचिस है, बच्चे सारी माचिस फूंक देंगे, ये याद रखना। ये तिल्ली निकल के जाती क्या है कि आगे पार हो जाती है? पार हो जाती है। अच्छा लोड कर दी तिल्ली, ये तिल्ली बिल्कुल निशाने में होनी चाहिए, अगर तिल्ली आगे खिसकी फिर नहीं बजेगी। फिर तिल्ली का मसाला थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, अगर तिल्ली का मसाला पतला फिर नहीं बजेगा। हाँ ये पीछे से हिट करता है, तो फिर दूसरी उठा लो। तिल्ली गीली होगी थोड़ी सी, बाहर ठंडा मौसम हो गया ना, हाँ दूसरी पिस्तौल ले लो, कोई बात नहीं, पिस्तौलों की सर्विस भी तो होती रहती है, मारा मारी थोड़ी है सारी पिस्तौलें चले, कोई बात नहीं दे रही है दूसरी देना भैया। देखो भैया शोले फिल्म में भी लास्ट गोली होती है अमिताभ बच्चन के पास, उस चक्कर में बेचारा मारा जाता है वो, तो ऐसा नहीं है हर एक पास। अरे भैया तेरी बीयर पड़ी है मेरे से ले ले बोतल, तो चल घर में तेरी बोतल मैंने रखी हुई है, ठीक है तो तेरा भैया कर्जा है, कर्जा उतरे अभी लेके जाना, ठीक है गाड़ी में बैठो दोबारा चलाना भाई।
ये हो गया। चलिए दोस्तों, हमने सारी जानकारी दे दी, सारी पसोले बम गोले दिखा दिए। अब बच्चों के हिसाब से अपना जो आपको अच्छा लगे ले लो, दो तीन चीज़ें हैं, टाइम पास बढ़िया। दिवाली वाले दिन बैठो, बच्चे बगल में बिठा लो, पटपट करते रहो, ना कोई खतरा है, ना हाथ जले ना पैर जले, और खर्चा भी नहीं आएगा। और ज़्यादा पैसे पैसे में आग लगानी, गाजियाबाद जाओ, वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी, वहाँ से आप 1 लाख का माल लो, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जितना माल लेना लो। तो दोस्तों एक बार नाम बता दो दर्शकों को, अपना फ़ोन नंबर बता दो भैया, लोग लेना चाहते तो एक आप तुम दे दो। अबे कोई भी नंबर बता दो ग्रेटर नोएडा में अगर। हाँ जी भैया, एक बार पहले तो नाम बताओ दर्शकों को। मेरा नाम वसीम है। वसीम है, और फोन नंबर बताओ। 9557। हाँ जी। 670। हाँ। 378। मेरा नाम लेके आओगे कि वकील साहब ने भेजा है तो 20% की छूट मिल जाएगी, बस आके ले लो। ग्रेटर नोएडा बिल्कुल वेलनेस हॉस्पिटल के सामने आना है, जतार्थ हॉस्पिटल के सामने, और वहीं कोने पे आना, कोने में बैठे हैं, और साथ में ये निर्मला मोमो वाली पार्टी खड़ी, इनके मोमो खा के जाने हैं, ये बहुत अच्छे मोमो बनाते हैं। भैया अपना नाम बता दो। उत्तम है जी। एक बार रात को कुछ गड़बड़ कर रहे थे, 11 बजे पकड़े गए, फिर हम छुड़ा लाए। चलिए दोस्तों, प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।